सीबी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना यार, तो हमें दो स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं अभी कई सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ। क्या क्या है वो स्टेप्स? पहला स्टेप है कि हम पहचाने कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि हम पहचाने कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। दूसरा स्टेप है कि हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। तो पहला जो स्टेप है उसको हम इन सेट ऑफ रूल्स की मदद से पता करते हैं, और दूसरा जो स्टेप है वो उसके लिए हमारे पास ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे, अब बेसिक रूप से हम क्या करेंगे कि पहला जो हमारा स्टेप है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है वो। तो क्या कहता है ना ये रूल, ये रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो, डबल बॉन्ड की कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड है तो बीच में एक गैप होना चाहिए था, एक और यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए था, और फिर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए था, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन से है यार, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन से है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन होना चाहिए था, या पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कोई अगला एक गैप होना चाहिए था। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो एक गैप होके यहाँ पे अगर कोई लोन पेयर होता, लेटर सपोज कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ए होता इसके ऊपर एक लोन पेयर होता, तो हम बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड इसके साथ कैसे है, ये दोनों कंजुगेशन में है। लेकिन ऐसा यहाँ पे केस नहीं है। सिमिलरली जो फ्री रेडिकल स्पीसीज है उसके साथ भी हम यही बोलेंगे कि डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे होता तो हम बोल देते, ऐसा कुछ ऐसा कंडीशन होता तो हम बोल देते। यहाँ भी नहीं है तो हम बोलेंगे कि डबल बॉन्ड वैकेंट पीडी और वाइटल। तो बेसिक रूप से वहां भी यही होता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप होना चाहिए था, और जो यहाँ पे बंदा है अवेलेबल इसके ऊपर हमें चेक करना पड़ता कि इसके अंदर वैकेंट पीडी और वाइटल है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि यार ये जो चारों रूल यहाँ पे हमें लिखे हुए हैं ना, ये चारों रूल तो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये चारों रूल अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम बोलेंगे कि जो पांचवा रूल है वो ये वाला, तो ये एप्लीकेबल है, देख लेते हैं अपन। तो ये बोल रहा है कि लोन पेयर वैकेंट पेयर वाइटल के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे लोन पेयर तो हमें दोनों तरफ से दिख रहा है। अब अगर हम कैसे भी बीच में देखो, यहाँ ये वाला लोन पेयर अगर हम ले लेते हैं, ये वाला लोन पेयर ले लेते हैं, ठीक है, बीच में एक गैप आया, ये हमारा एटम आया, इसके ऊपर अगर कैसे भी पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पीडी और वाइटल क्रिएट हो जाए ना तो मजा आ जाए, राइट। हम बोलेंगे ये रेजोनेंस में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा ग्रेट डिटेल में ये वाला जब रूल समझा रहा था, ये कंडीशन समझा रहा था, तो उसके बारे में हमने ग्रेट डिटेल में बात करी थी कि हम कैसे इस कंडीशन को हैंडल करते हैं। एक शॉर्ट डिटेल में यहां भी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आपको ग्रेट डिटेल में चीजों का एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो ऑफकोर्स ये जो कंडीशन जहां पे मैंने बताया है कि लोन पेयर पीडी वैकेंट और वाइटल के साथ कंजुगेशन में है, उस वाले वीडियो को आप जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है यार, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, हम क्या करते हैं कार्बन को पकड़ लेते हैं, और कार्बन का सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन के अंदर वैकेंट डी और पी और वाइटल है या नहीं है, वैकेंसी है कि नहीं है। अगर वैकेंसी होगा तो कंजुगेशन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। देखो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, और कार्बन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। जो टोटल एटॉमिक नंबर है कार्बन का कितना होता है? 6, और 6 एटॉमिक नंबर है मतलब 6 प्रोटॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगा 1s2 2s2 and 2p2, फिर से 1s2 2s2 and 2p2, ये बेसिक रूप से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है 2 है, ठीक है। देखो यार यहाँ पे अगर हम काउंट करें ना, ये जो हमारा कार्बन है क्या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है? तो हम बोलेंगे ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। मतलब क्या मतलब ये कि इन जनरल कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये जो दिख रहा है ना ये नहीं होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये नहीं होगा इसके पास, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जब कन्फिग्रेशन अपन लिखेंगे तो 1s2 2s2 होगा, 2p कंप्लीटली वैकेंट रहेगा। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें कि 2p वैकेंट है, बढ़िया से एकदम तुरंत कंजुगेशन कर लेंगे, नहीं, हमें थोड़ा एक और स्टेप यहाँ फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप क्या है? हमें बॉक्स डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें यहाँ पे वर्कआउट करती है। तो हम बोलेंगे बॉक्स डायग्राम जब हम इसके बनाएंगे तो बॉक्स डायग्राम वगैरह क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग। और थोड़ा ज्यादा डिटेल में अगर आपको बात करना है तो ये वाला लेक्चर देखो जो मैं अभी बोल रहा था डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक प्रेजेंट है। तो होता क्या है ना यहाँ पे कि बेसिक रूप से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर गया? वो आगे जंप कर गया। क्यों होता है ऐसा? बॉन्डिंग के लिए होता है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है। अगेन इसके बारे में हम ग्रेट डिटेल में बात करेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग। अभी आपको मान के चलना है कि ये होता है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता तो आप ये समझ लो कि ऐसा कुछ हो जाता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आगे जंप कर जाता होगा। अब हम बोलेंगे कि ठीक है, अब जो है ना इस कंडीशन में आके ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जैसे ही इस कंडीशन में आके ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाउ
नाउ अभी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दो दो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएटेड बैठा हुआ है, दो दो वैकेंसी जो है वो फ्री में हमें यहाँ पे मिल रहा है कि हाँ यार पी का जो है, दो दो पी ऑर्बिटल जो है फ्री में है। तो हम बोलेंगे कार्बन के ऊपर जो जो कार्बन है उसके ऊपर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये जो रूल है वो होल्ड कर गया, और अगर ये रूल होल्ड कर गया मतलब हम बोलेंगे कि इसके अंदर कंजुगेशन जो है वो पॉसिबल है। अगर कंजुगेशन पॉसिबल है तो इसका कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी क्विकली हम ड्रॉ कर लेते हैं। यार कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, तो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम इन रूल्स की मदद लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि यार कौन सा रूल चलेगा, लोन पेयर और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, तो यहाँ वाला ये कंडीशन मिलेगा। यहाँ कंडीशन कौन सा लग रहा है कि लोन पेयर जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, तो लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल रूल नंबर फोर लगेगा। तो होता क्या है ना कि रूल नंबर फोर क्या कहता है कि जो लोन पेयर है ना वो वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ मूव कर जाएगा, मूव कर जाता है, यही रूल कहता है रेजोनेंस का रूल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा। तो ये रूल्स जो है वो कैसे है, कहाँ से आए, तो बेसिक रूप से देखो रेजोनेंस जो है ना फंडामेंटली क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट होता है हियर एंड देयर विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे हमने ये रूल्स सेटअप रूल्स निकाले कि यार जो लोन पेयर है ना वो वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ कुछ कर जाता है, चला जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यहाँ पे बन के आएगा। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव करेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्विकली क्या करता हूँ, बेसिक रूप से जैसे ही ये यहाँ पे मूव करेगा तो क्या क्या कंडीशन हो के आएगा वो चीज़ एक बार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन के आई है, क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे हमें फिगर आउट करना है। तो ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कैसे हो रही है, एक बार देखते हैं अपन। तो बेसिक रूप से होगा ना कि ये दो है, तो ये दो है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना यार, जैसे ही ये दो है तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या बोलेगा, इसको बोलेगा, इस कार्बन को बोलेगा कि मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है ना वो ये वाला है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसके वैकेंट और वाइटल में मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड बना लेगा वो, वेरी सिंपल। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के ऊपर इसके बीच में ये बॉन्ड बना लेगा, सिंपल। अब बात आती है कि यार ठीक है ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को गेन हो गया तो बोलेगा बहुत मजा आया, नेगेटिव चार्ज आ गया मेरे पास, राइट। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होकर आया है और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होकर आया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब हम बोलेंगे क्या यहाँ पे और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, यहाँ पे वैकेंसी हमें दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो फिर से क्या हो जाएगा, जो निगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में एक वैकेंसी है एक निगेटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे कि क्या यहाँ पे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम देखेंगे क्या ठीक है यहाँ पे एक वैकेंसी है क्रिएटेड है, और हम ये देखेंगे कि ठीक है ये वैकेंसी क्रिएटेड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये बोलेगा ठीक है यार मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन वापस करता हूँ, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंसी है, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस फिर से हो सकता है, मतलब ये इसको दे सकता है। क्या कौन सा कंडीशन, ये लोन पेयर वाला, लोन पेयर विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो लोन पेयर वाला वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ऐसे जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे जो है जो कंडीशन है रेजोनेंस का वो पॉसिबल है, और कंडीशन अगर पॉसिबल है इसका मतलब है कि रेजोनेंस हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल, तो लोन पेयर से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ यहाँ पे मूव होगा, तो लोन पेयर यहाँ पे है वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ मूव होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसको वापस मिल जाएगा, मतलब फिर से इसी कंडीशन पे आ जाएंगे। मतलब क्या है कहने का मतलब है कि जो CO है उसका केवल जो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिक रूप से ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड का दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि तीसरा जब हम बनाने जाएंगे तो फिर से हमें ये मिल जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार अब हम इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। अगला एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ जो आपको कमेंट करना है, इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है, इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगेन अगर मैं बताऊँ ना यहाँ पे रेजोनेंस है पॉसिबल या नहीं, ये मैं बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे, अगेन यही कंडीशन तो बन रहा है ना, चार इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन कितना पॉसिबल है वो आपको बताना है, और आपको इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है इन योर नोटबुक। ठीक है, इसको अपने नोटबुक के अंदर इसे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इस वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, बाकी हम एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करा जाता है।